हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं पेपर को 7 बार से ज़्यादा फोल्ड, और हम आज प्रूफ कर देंगे कि वो थ्योरी गलत थी जिसमें लिखा था कि हम एक पेपर को 7 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते हैं। हम बहुत बड़ा पेपर लेंगे, मतलब 12 फीट बाई 14 फीट का पेपर लेंगे और उसको 7 बार से ज़्यादा फोल्ड करेंगे। हम टारगेट करते हैं कि 10 बार से ज़्यादा फोल्ड करके उसको दिखाएं। तो चलिए हमारे साथ अब देखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मार्किंग 7 चैनल को और इस घंटे को दबाएं ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। ये एक नॉर्मल रफ पेपर है, इसका एक पन्ना फाड़ के चेक करेंगे कि ये फोल्ड हो पाता है या नहीं। इसका एक बीच का पन्ना ले लूँगा मैं। ये हमारा एक रफ पेपर है, इसको फोल्ड किया हमने एक टाइम, दो टाइम, दो हो गया, ये हो गया आपका तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, और ये हो गया छः। 6 बार फोल्ड हो चुका है, अब ये 7वां बार भी आराम से फोल्ड हो जाएगा। एक देना हथौड़ा उधर से। ओ हो हो ऐसा ठीक है। तो हमने इसको 7 बार फोल्ड कर लिया, अब इससे अधिक चेक करते हैं फोल्ड हो पाता है या नहीं हो पाता है। शायद नहीं हो पाएगा, एक कॉर्नर पर ला के चेक करते हैं इसको। पहले इसको इस कॉर्नर से टेढ़ा करेंगे, नहीं हो पाएगा शायद। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 7.5 तो कर ही दूंगा इसको। मार्किंग 7 यानी मार्किंग 7, तो 7 बार ही फोल्ड होगा क्या? नहीं हो पा रहा, छोड़ो, मतलब 7.5 जा रहा है वैसे मेरा। अब से चालू किया तो ये 7 बार फोल्ड हो गया, उससे ज़्यादा फोल्ड नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे चार्ट पेपर पे फोल्ड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चार्ट पेपर लाया जाए सर, हम चेक करेंगे न्यूज़पेपर पे, फिर एक बड़ा सा न्यूज़पेपर बिछाएंगे यहाँ पे और देखेंगे वो हम 10 बार फोल्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हमारा मिल गया चार्ट पेपर, ये हो गया 7 बार फोल्ड हो रहा है, उससे ज़्यादा फोल्ड नहीं हो पा रहा। अब एक चार्ट पेपर, वाइट चार्ट पेपर, अब इसको फोल्ड करते हैं कॉर्नर एज टू एज मिला के, पिक्सल टू पिक्सल। एक बार, दो बार, ये 3 बार, 3 बार ही हुआ ना, ये 4 बार हो गया, और ये 5 बार, ये 6, नीचे कर लेता हूँ, हटा देता हूँ खाट। तो 6 हो गया, ये हो गया 7। मुझे लगता 7 ज्यादा हो पाएगा चार्ट पेपर। ये भी टूट जा रहा है, तो ये हो गया 7। इससे ज़्यादा देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है हो जाएगा? जय श्री राम वाली माँ। तो ये हो रहा है लेकिन साढ़े सात, ये भी 7.5 ही हो रहा है, हल्का सा 7.5 बार फोल्ड हो रहा है ये। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है बड़ा सा ये न्यूज़पेपर, अब इसको हम फोल्ड करके चेक करते हैं ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे बड़ा सा पेपर लेके और टेप से चिपका के चेक करेंगे। तो ये आ गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया प्लेन। अब स्टार्ट करेंगे, एक, दो, दो हो गया, ये 3, फिर अब करेंगे 4, फिर ये 5, फिर 6 बार तो हो गया अच्छे से। अब आगे हो पाता है कि नहीं वो देखने वाली बात है। 6, ये हो गया 7,
ओहो क्या बात है, सात बार फोल्ड हो चुका है हमारा पेपर, अब देखना है आठ बार हो रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये हो गया रूल ब्रेक, थ्योरी आपकी ब्रेक हो चुकी है। ये हो गया आठ बार फोल्ड, मतलब थ्योरी सही नहीं है। थ्योरी जो कह रहा है कि एक पेपर को आप सात बार ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे गलत साबित हो गया। यानी आप फोल्ड कर सकते हैं, जितना बड़ा पेपर होगा, अगर पेपर पतला होगा तो आप मोर देन सेवन टाइम फोल्ड कर सकते हैं। अब हम बड़ा सा लेते हैं पेपर, और हमारे साथ रहेंगे दो तीन और दोस्त, और उस पेपर को फोल्ड टेप की हेल्प से अटैच करके और चेक करेंगे कि वो कितनी बार फोल्ड हो पाएगा। मेरा टारगेट है कि 10 से ज़्यादा फोल्ड करना, क्योंकि क्रेजी एक्स वाई जेड ने 9.5 ने किया, 9.5 फोल्ड किया था, तो मेरा टारगेट है 10 से ज़्यादा फोल्ड करके दिखाना। देखते हैं, स्टार्ट। हेलो, तो दोस्तों तो ये काफ़ी बड़ा हमने यहाँ पे कर रखा है, मतलब 12x14 फीट का है ये। अब इसको हम फोल्ड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हम इसे 10 बार फोल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सूरज आइए हमारे साथ, इसको फोल्ड कराइए। ओ भाई साहब, ये हो गया एक बार। आ जाओ पीछे लेके आ जाओ इसको, ये हो गया एक बार। अब इधर से आ जाते हैं, एयर निकाल लेते हैं इसमें से। स्टार्ट, पकड़ो, चल। सेंटर में लाते हैं इसको, ये दो बार फोल्ड हो चुका है अब और काफ़ी बड़ा है। इसको ऐसे कर दें या ऐसा कर देंगे ना, ऐसे इधर से, इधर से। ये हो गया तीन बार। इसका एयर पहले निकाल लेते हैं हम, वरना फिर एयर आ जाएगा। तो हमें चेक करना है कि तीन बार से ज़्यादा फोल्ड हो पा रहा है या नहीं, 10 बार से ज़्यादा। चलो, तीन बार हो चुका है ना अभी, ये चार बार। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। चार हो चुका है, अभी होगा पाँच। पाँच बार फोल्ड हो चुका है, काफ़ी सही है, इसके अंदर एयर भर चुका है। पाँच, छः हो गया, बहुत तेरी है यार, ये तो लग रहा है कि सैंपल्स है। छः हो भी चुका है, अब ये हो गया सात बार, जो मार्किंग सेवन, मार्किंग सेवन, सात बार हो चुका है। और थोड़ा दबाव पड़ेगा, और दबाओ है, और दबाओ, दबाओ, चलो आइए दोस्त। ये हो जाएगा आठ, एक बार और दबाओ। होगा, होगा एक बार, ये हो गया नौ। अब एक बार और फोल्ड करना है हमें। तो ये दोस्तों हमारे पास ये 9 बार फोल्ड हो चुका है ना, अब हमें एक बार और फोल्ड करना है इसको, 10 बार फोल्ड करके दिखाना है हमें। तो कैसे भी करके हम इसे 10 बार फोल्ड करेंगे, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्या, फोल्ड ही करेंगे। लाओ ईट, लाओ ये करना, माँ हमारे सूरज करके दिखाएंगे इसको, 10 बार फोल्ड करके दिखाएंगे। लाइए सूरज ईट,
मतलब 12x14 फीट का कागज और 9x फोल्ड हो रहा है। सूरज ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप इसे फोल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, आइए ट्राई करते हैं। 10 बार फोल्ड करना है आपको, कर लोगे आप कर सकते हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, हो रहा है। क्या हुआ? 9:30 ही हुआ फोल्ड, मतलब इसको हम आधा कह सकते हैं, कह सकते हैं 10 फोल्ड कर सकते हैं, कह सकते हैं उस वाले से ज़्यादा हुआ है, क्रेजी वाले से ज़्यादा ही हुआ है, मतलब 10 फोल्ड हो चुका है। अब इसको फिर हम बड़ा करके दिखाएंगे आपको कि हाँ 10 ही फोल्ड है, क्योंकि आपको लगे ना कि घपला किया हमने। तो ये रहा एक फोल्ड, ये रहा दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात और ये आठ और ये 9। अब जाएगा 10, ये रहा 10, तो देखा आपने, हमने इसे 10 बार फोल्ड कर चुका है। अगर आपको लगता है कि हमने 10वीं बार जो फोल्ड किया वो सच में 10वीं बार फोल्ड थी, तो बताएं नीचे कमेंट करके कि 10वीं बार थी, वरना 9 ही मान लेंगे, 9:30 मान लेंगे। आप नीचे कमेंट बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और 12x14 फीट का ये कैसा लगा एरिया। उम्मीद करते हैं आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।